हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं एनएन बॉलीवुड। देश भर में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत आज से हो रही है। कुछ पहले जैसा रहने वाला है और कुछ रियायतें अब आपको लॉकडाउन 4 में मिल जाएंगी, लेकिन एक बात तय है कि 31 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। और ऐसे में टीवी स्टार्स भी जो जहां पर है वो वहीं पर फंसा हुआ है। रतन राजपूत भी बिहार के एक गाँव में काफी लंबे वक्त से फंसी हुई है। ऐसे में वो अपने वीडियोस अपलोड कर रही है, वीडियोस से अपने फैंस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। आज भी हम आपको बताएंगे कि रतन की लॉकडाउन डायरी से क्या कुछ निकला है। इसके अलावा उन्होंने ट्रोलर्स को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आपको नजर आ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए। महामारी को बढ़ने से रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड और टीवी के सितारे भी जहां थे वहीं फंसकर रह गए हैं। ऐसे में पॉजिटिव रहकर ही हम अपनी और अपनों की मदद कर सकते हैं। हमको ऐसी परिस्थिति में उन लोगों से सीख लेनी चाहिए जो हर हाल में खुश रहते हैं। ऐसी ही हर हाल में खुश रहने वाली एक्ट्रेस हैं रतन राजपूत। जी हाँ, वही रतन राजपूत जिन्हें आपने फेमस टीवी सीरियल अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली का किरदार निभाते हुए देखा होगा। आज हम आपको रतन की लॉकडाउन डायरी में से कुछ वीडियोस दिखाएंगे कि कैसे वो चूल्हे पर खाना बनाती हैं और कैसे वो ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देती हैं। पिछले करीब 2 महीने से बिहार के गांव में फंसी टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत इन दिनों अपने कुकिंग वीडियो के लिए काफी फेमस हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन रतन राजपूत के चूल्हे पर खाना बनाते हुए वीडियो वायरल होते रहते हैं। हाल ही में रतन राजपूत ने फैंस को उड़िया स्टाइल में मिक्स वेज बनाना सिखाया। वीडियो में दिख रहा है कि वो गर्मी के कारण काफी परेशान हैं और ऐसे में मक्खी और चूल्हे का धुआं बार बार रतन को और परेशान कर रहा है। रतन राजपूत वीडियो में कहती हैं, भीषण गर्मी है यार, मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पर फैशन का ध्यान रखने का, लेकिन ऐसे में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वीडियो में रतन फैन से बात करते हुए रेसिपी भी बता रही हैं, साथ ही साथ ये भी बता रही हैं कि उन्होंने मसाला सिलबट्टे पर पीसा है। वहीं इससे पहले रतन राजपूत ने एक वीडियो शेयर करते हुए उन ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई थी जो उन्हें अनहाइजीनिक कहते हैं। वीडियो में रतन कहती हैं, कुछ लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि मैं यहाँ गांव में हूँ इसलिए हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं जो यहाँ कर रही हूँ उसे एडजस्टमेंट कहते हैं। मैं यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ पर सैनिटाइजर की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकती, मेरे पास यहाँ जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हीं में अपनी हाइजीन का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी देखें रतन का ये वीडियो। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को हाइजीनिक प्रणाम। जी हाँ, आज हम हाइजीनिक प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि हाइजीन का खास ध्यान रखा जा रहा है और मैं भी रख रही हूँ। पर कुछ लोगों को गलत फहमी है कि मैं यहाँ गांव में हूँ इसलिए हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही, तो उन लोगों से मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि जो मैं यहाँ कर रही हूँ उसे एडजस्टमेंट कहते हैं, उसे अडेप्टेशन कहते हैं। मैं अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ और कोई चारा नहीं है। मैं यहाँ पर सैनिटाइज़र का फैक्ट्री नहीं खोल सकती, मेरे पास जो सुविधाएं अवेलेबल हैं मैं उसी में अपने हाइजीन का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि जहाँ मैं कुकिंग कर रही हूँ वो हाइजीनिक नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि खुले आसमान के नीचे खाना बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग ईटर के चूल्हा पे जब खाना बनाते हैं तो पहले गोबर और मिट्टी से लिपाई करते हैं। गोबर में कई ऐसे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जिसकी वजह से मिट्टी में गोबर को मिक्स करते हैं, और हर बार खाना बनाने के पहले सुबह और शाम यहाँ की पुताई होती है जिसको लीपना कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ है। तो मिट्टी के फर्श पे हम डिटॉल या लाइजॉल से पोछा नहीं लगा सकते, जिस चीज़ से लगा सकते हैं वो मैं लगा रही हूँ। और जहाँ तक मक्खियों का सवाल है, ऑफ कोर्स मैं अग्री करती हूँ कि वो हाइजीनिक नहीं है, लेकिन मक्खियों पर मेरा बस नहीं है। मैं उनको कैसे कंट्रोल करूँ, मैं चीज़ों को ढकने की कोशिश करती हूँ, मैं मक्खियों को उड़ाने की कोशिश करती हूँ, बट समहाउ कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली अवॉइड नहीं की जा सकती, लेकिन ख्याल रखा जा सकता है और मैं भरपूर ख्याल रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस कम हैं। जितनी हैं उसमें अब मेरे पास चप्पल एक है। ट्रू, किसी ने कहा है कि ये एक ही चप्पल किचन में भी, घर में भी, बाथरूम में भी,
भाई उनसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या सिर्फ आपको यही पता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्लीपर्स यूज़ करने से ही हाइजीन का ख्याल रखा जा सकता है? क्या आपको ये नहीं सिखाया गया कि अगर एक चप्पल है या दो कपड़े हैं आपके पास, तब भी आप हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं उसकी साफ़ सफाई करके? हाइजीन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास एक दर्जन चप्पल, 50 जोड़े कपड़े हों, बल्कि जितनी भी हैं उसकी सफाई का ख्याल रखें। बता दें कि पिछले कई दिनों से गांव में फंसी रतन राजपूत जिस जगह पर हैं वो रेड जोन में आता है। ऐसे में वहां उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रतन राजपूत बड़ी ही जिंदा दिली के साथ किसी भी हाल में एडजस्ट कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं। रतन ने शुरुआत में एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वो अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए यहां आई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहीं फंस गई। तो आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइए। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और बेल आइकन जो नजर आ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए।